हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खेम कुमार। तो आज हमारे सामने मौजूद है मारुति सुजुकी की ब्रीजा डीजल का ये वेरिएंट है। तो इसमें क्या इशू आ गया, इसमें क्लच पैडल का इशू आया, तो मैं वो दिखा देता हूँ कि इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये जो हमारा क्लच पैडल है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल नीचे बैठा हुआ। इसको हमने हाथ से उठाया अभी ऊपर करके और दोबारा क्लच दबा रहे हैं, तो ये दोबारा नीचे रुक गया। ये बिल्कुल क्लच बिल्कुल फ्री हो चुकी है, बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो इसमें कहाँ से दिक्कत आई है, दिक्कत मैं भी दिखा देता हूँ आपको। इसका जो क्लच बैरिंग होता है, हाइड्रोलिक क्लच बैरिंग जो गियर बॉक्स के अंदर होता है, वो बैरिंग लीकेज हो गया है। और बैरिंग लीकेज होने की वजह से प्रेशर रुक नहीं रहा है क्लच का। सो अभी हम इसकी फिटिंग खोल रहे हैं ऊपर की तरफ से। ये हमने इसकी सारी फिटिंग खोल ली है ऊपर से, और अब इसके गियर बॉक्स को उतारेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लच बैरिंग की क्या कंडीशन निकली, मैं वो दिखाऊंगा अभी भी। हमने इसका गियर बॉक्स उतार लिया है, गियर बॉक्स की कंडीशन भाई एक बार बैरिंग घुमा के दिखा सारू। ये क्लच बैरिंग की आप देख सकते हो क्या कंडीशन हुई है। ये बिल्कुल जो बैरिंग है, ये हाइड्रोलिक बैरिंग होता है जो ऑयल प्रेशर के साथ काम करता है, ये बिल्कुल टूट चुके हैं, और जिसकी वजह से हमारी क्लच काम नहीं कर रही थी, वर्क नहीं कर रही थी, और इसी की वजह से हमारा क्लच का पैडल डाउन हो रहा था बार बार, और लास्ट टाइम में आके क्लच का पैडल बिल्कुल बैठ गया था। अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ कि नए वाले और पुराने वाले में क्या डिफरेंस होता है। भाई खोल दो एक बार इसको, खोलने के बाद हम दिखाते हैं हम आपको कि नए और पुराने में क्या डिफरेंस था। ये देख सकते हो इसको अभी हम खोल रहे हैं, और जो हमारे जो बैरिंग टूटे हैं उसकी जो गोलियाँ थी, मेरे इस हिसाब से कुछ टूट के। एक्चुअली क्या होता है, इसमें गियर बॉक्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ये वाली गोली बिल्कुल कुछ, ये देख सकते हो ये पूरा बैरिंग बाहर आ गया है निकल के। अब इसको हम खोल रहे हैं, खोलने के बाद मैं दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है इसकी। दिखने में तो बिल्कुल डेड हो चुका है। सो फाइनली हमने इसके बैरिंग को रिप्लेस कर दिया है। ये हमारा नया बैरिंग है, क्लच का जो बैरिंग है, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो, 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है। और ये इधर MGP की पैकिंग, जैनवन क्लच बैरिंग MGP का, ये हमारे पार्ट नंबर। और यहाँ पे आपको मेंशन दिख जाएगा पार्ट नंबर, और रेट पे थोड़ा सा हाथ लग गया था, 3590 रुपये का क्लच बैरिंग है जैनवन। और क्लच बैरिंग लगाते टाइम इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हम इसको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि प्रेस करने के बाद ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, यहाँ इसके लॉक होते हैं तो लॉक निकलने के चांस हो जाते हैं। सो फाइनली अभी उधर क्लच प्लेट हमने चेक करने के लिए खोली थी, तो उसको फिट कर रहे हैं। इसके बाद हम गियर बॉक्स को फिट करेंगे, फिर मैं दिखाता हूँ आपको क्लच पैडल में लास्ट में कि क्या अब ओके है या नहीं है, गाड़ी चला के हम टेस्ट करेंगे। सो फाइनली देख सकते हो मैं गाड़ी टेस्टिंग के लिए लेके आया हूँ, और टेस्टिंग के दौरान मैं दिखा दूँ जो हमने क्लच बैरिंग जो चेंज किया था। अगर हम अब इस क्लच पैडल को दबा रहे हैं, ये देख सकते हो ऑटोमेटिकली अब ऊपर आ रहे हैं, पहले उस दौरान ये पैडल ऊपर नहीं आ रहा था, बिल्कुल लास्ट में जाके यहाँ पे जाके जाम हो रहा था। अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो हाथ से पुश नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा जोर लगेगा। और बाकी अभी मैं टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, गाड़ी चला के दिखाता हूँ। सो फाइनली गाड़ी रेडी। सो फाइनली हमने गाड़ी कंप्लीट कर दी है, हमने इसका क्लच बैरिंग चेंज किया था, और क्लच बैरिंग चेंज करने के बाद हमने इसकी क्लच की बैरिंग की एयर निकाली है ब्रेक ऑयल टॉप अप करके। सो फाइनली अब हम गाड़ी को टेस्टिंग के लिए रोड पे लेके आए, एरिया देख सकते हो आप, हम टेस्ट ड्राइव वाला रोड है, इस रोड के ऊपर अभी हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे, गाड़ी को चला के दिखाएंगे थोड़ा। मैं पूरा पर्पस में दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से काम किया था, तो वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि ऐसा ना हो कि गाड़ी स्टार्ट कर ली है। और फ्रंट में एक बार आप दिखा सकते हो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो ये देखो गियर भी बिल्कुल ओके पोजीशन से लग रहे हैं, गियर में भी कोई इशू नहीं है, और ये देख सकते हो आप गाड़ी चल रही है अच्छे से। सो ऐसे ही मेरी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो आप तक शेयर कर सकूं, हर एक टेक्निकल वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको भी पता लगे कि किस तरीके से काम होता है और क्या कॉस्टिंग आती है।